हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने सपा बसपा गठबंधन को बताया दो डीलरों की मुलाकात, बताया कांग्रेस को मदर सोर्स ऑफ ऑल मिडिलमैन कंपनी। सामान्य वर्ग के 10% आरक्षण को यूपी में भी लागू करने के लिए योगी सरकार को दिया धन्यवाद। राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य चंद्रमुखी पहुंची गोरखपुर, एसएसपी के साथ की बैठक, कहा महिलाओं पर गठित अपराधों पर की गई कार्रवाई पर हुई चर्चा। 19 से शुरू होगी राष्ट्रीय ब्लाइंड एंड पैरा जूडो प्रतियोगिता, डीएम ने बताया 19 राज्यों से 650 खिलाड़ियों के प्रतिभाग करने की है संभावना। एसएसपी की अध्यक्षता में संपन्न हुई पुलिस पेंशन गोष्ठी और स्वास्थ्य शिविर, सेवानिवृत्त पुलिस कर्मियों के विभिन्न समस्याओं पर हुई चर्चा, निस्तारण के दिए निर्देश। छात्रों में रचनात्मक कार्यों के प्रति आकर्षण के उद्देश्य से आयोजित युवा सप्ताह का हुआ सकुशल समापन, एनसी छात्रावास में छात्रों से एसपी सिटी ने स्थापित किया संवाद। कोहरे के कारण विलंब से पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने फिल्मी अंदाज में मात्र 25 मिनट के अपने गोरखपुर प्रवास के जरिए विपक्षी पार्टियों पर अपने शब्दों से बुलडोज कर दिल्ली हुए रवाना। विद्यार्थियों को अतिरिक्त जानकारी देने के लिए डीवीएनपीजी कॉलेज में आयोजित हुई सोशल मीडिया और राष्ट्रीय सुरक्षा विषय पर विशिष्ट व्याख्यान। छात्रावास में प्रवेश के लिए कबड्डी, फुटबॉल, तैराकी, एथलेटिक, कुश्ती और जिम्नास्टिक खेलों के लिए 2 दिवसीय मंडल स्तरीय ट्रायल हुआ संपन्न, खिलाड़ियों ने दिखाया दम। डीवीएनपीजी कॉलेज में आयोजित हुई जिला स्तरीय यूथ पार्लियामेंट कार्यक्रम, छात्र छात्राओं ने विभिन्न विषयों पर रखे अपने अपने विचार। राज्य स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता में गोरखपुर पुलिस की टीम ने हासिल की प्रथम स्थान, एसएसपी ने विजेता टीम को दी बधाई। और माटी संस्था ने किया कादर खान के अंतिम स्क्रिप्ट पर फिल्म का निर्माण करने वाले निर्माता जफर खान सहित फिल्मी कलाकारों को किया सम्मानित।